हेलो, गुड मॉर्निंग। फटाफट सीरीज के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं बुक्स इन न्यूज़ की। तो जितने भी बुक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बुक जो हमारे सामने है वो है द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर। इस बुक को किसने लिखा है? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर बुक। इस बुक को लिखा है रजनीश कुमार ने। सर सैयद अहमद खान। रीजन, रिलीजन एंड नेशन। सर सैयद अहमद खान। रीजन, रीजन, रिलीजन एंड नेशन। इस बुक को लिखा है शैफी किदवई ने। और एक्चुअली आई मेट देम, इसको किसने लिखा है? एक्चुअली आई मेट देम, इसे लिखा है गुलजार साहब ने। वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। इस बुक को लिखा है उदय महुरकर एंड चिरायु पंडित ने। द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी। इस बुक को लिखा है दिव्या दत्ता ने, एक्ट्रेस हैं ये। द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी, दिव्या दत्ता। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स, ठीक है, क्या बुक का नाम है? द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स। इस बुक को लिखा है सुबा श्रीनिवासन ने। और राइटिंग फॉर माई लाइफ, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो रस्किन बॉन्ड के बुक्स इंपॉर्टेंट काफ़ी बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड। कमला हैरिस, फिनोमिनल वुमन। इस बुक को लिखा है चिदानंद राज घट्टा ने, ठीक है, क्या नाम है इनका? चिदानंद राज घट्टा। बुक का नाम क्या है? कमला हैरिस, फिनोमिनल वुमेन। तो एक बार रिपीट करते हैं, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर। इस बुक को लिखा है रजनीश कुमार ने। सर सैयद अहमद खान। रीजन, रिलीजन एंड नेशन। शैफी किदवई, एक्चुअली आई मेट देम। गुलजार। वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। उदय माहुरकर एंड चिरायु पंडित। द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी, दिव्या दत्ता। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स, सुभा श्रीनिवासन। राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड एंड कमला हैरिस, फिनोमिनल वुमेन। इस बुक को लिखा है चिदानंद राजगट्टा ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। एम्स में एक जंग लड़ते हुए, इस बुक को लिखा है रमेश पोखरियाल ने। द सेज विथ टू हॉर्न्स, अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। इस बुक को लिखा है सुधा मूर्ति ने। इन सुधा मूर्ति के भी जो रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, जो राइटिंग्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, तो इसको याद रखिएगा। द सेज विथ टू हॉर्न्स, अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। नॉट जस्ट क्रिकेट, अ रिपोर्टर्स जर्नी, प्रदीप मैगजीन। किन्होंने लिखा है? प्रदीप मैगजीन इनका नाम है, वाह। नॉट जस्ट क्रिकेट, अ रिपोर्टर्स जर्नी, प्रदीप मैगजीन। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखा है। मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, इसको लिखा है पूनम दलाल दहिया ने। मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। उसके बाद है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आर टाइम्स। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आर टाइम्स, सलमान खुर्शीद। लाल सलाम अ नोवेल, इसको लिखा है स्मृति ईरानी ने। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इसको लिखा है अभिजीत बैनर्जी। इलस्ट्रेटेड बाई फ्रांस बेस्ड इलस्ट्रेटर साइनी ओलिवर, ठीक है, लिखा अभिजीत बैनर्जी ने है। और जो इलस्ट्रेशन है इसमें, इसे किया है, चित्रकारी की है कि उन्होंने, साइनी ओलिवर ने। नेक्स्ट बुक है रिजॉल्व्ड, यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। रिजॉल्व्ड, यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, इसको लिखा है बान की मून्स। ऑटोबायोग्राफी ये है, और आई मीन इस बुक का नाम है क्या, रिजॉल्व्ड, यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून ने लिखा है, उनके खुद की ये ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है बांग्लादेश लिब्रेशन एट 50 ईयर्स, बिजॉय विद सिनर्जी, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। ये रिलीज किया गया है एमएम नरवणे जी के द्वारा। ये हमारे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, साथ ही साथ आर्मी के भी चीफ है, ये भी याद रखिएगा। क्या नाम है इस बुक का? बांग्लादेश लिब्रेशन एट 50 ईयर्स, बिजॉय विद सिनर्जी, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। नेक्स्ट है इंडियन इनिंग्स, इसको लिखा है अयाज मेनन ने। बुक का पूरा नाम क्या है? इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। अयाज मेनन। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इस बुक को लिखा है सूर्य प्रकाश ने। इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इसको लिखा है डॉक्टर रेखा चौधरी ने। और बैचलर डैड, इसको लिखा है तुषार कपूर ने, ठीक है। द कश्मीर कॉनड्रम, द कश्मीर कॉनड्रम,
द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड, इसको लिखा है जनरल निर्मल चंद्र विज ने। उसके बाद है गांधी टोपी गवर्नर, गांधी टोपी गवर्नर को लिखा है पद्म अवॉर्डी डॉक्टर यारला गडा लक्ष्मी प्रसाद ने, यारला गडा लक्ष्मी प्रसाद। नेक्स्ट है द मंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने और प्राइड प्रिजटिस एंड प्यूंडिट्री, प्राइड प्रिजडिस एंड प्यूंडिट्री, इसको लिखा है डॉक्टर शशि थरूर ने। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज, इसको लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, इसको लिखा है प्रभात कुमार ने। पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। उसके बाद है ममता बियॉन्ड 2021 अथोराइज्ड बाय जयंत घोषाल, ठीक है। तो ममता बियॉन्ड 2021 किसके द्वारा लिखा गया है भाई, जयंत घोषाल के द्वारा। उसके बाद है गांधीज असासिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये लिखा है डॉक्टर सॉरी डॉक्टर क्या रहा धीरेन्द्र कुमार झा ने। गांधीज असासिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, धीरेन्द्र कुमार झा। नेक्स्ट है रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एंड सीनियर ब्यूरोक्रेट डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा। और उसके बाद है इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये ऑटोबायोग्राफी है अरुंधति भट्टाचार्य की। कुछ और बुक्स है उसको डिस्कस करते हैं। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। उसके बाद है द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, ये लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने। ऑपरेशन खात्मा जर्नलिस्ट आरसी गंजू एंड अश्विनी भटनागर ने इसको लिखा है, जर्नलिस्ट है ये आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, इन्होंने लिखा है ऑपरेशन खात्मा। उसके बाद है फियरलेस गवर्नेंस, ये लिखा है किरण बेदी ने। और इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिखा है जे साई दीपक ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इस बुक को लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। और इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन्स, इसको लिखा है राजीव भाटिया ने। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष ने लिखा है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक, इसको लिखा है बिल गेट्स ने। और अ नेशन टू प्रोटेक्ट लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। और डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, ये लिखा है रो खन्ना ने। उसके अलावा द ग्रेट टेक गेम, इसको लिखा है अनिरुद्ध सूरी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे और उनके ऑथर्स थे, तो इनको दो चार बार देख लीजिएगा एग्जाम जाने से पहले। और बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कमिटीज़ के बारे में, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के बारे में जो अभी हाल ही में न्यूज़ में रहे थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।